हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के घर जो कि पैडरबॉर्न में रहता है। और एक्चुअली वो अपने घर शिफ्ट कर रहा है और उसके जो सिटी है उसमें एक मेला भी लगा हुआ है। तो उसी बहाने हम उस मेले में भी घूम लेंगे, आपको दिखा देंगे कि क्या है, कैसा होता है यहाँ सब कुछ। ये कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग नहीं है, ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। इसमें मैं कोई डिटेल शेयर नहीं करूँगा, ये आप देख सकते हैं इसमें कैसा यहाँ का कल्चर होता है, मेला होता है, वो सब आप देख सकते हैं इसमें। तो निकलते हैं घर से, करण भी मेरे साथ है, आपको पूरा दिखाते हैं कैसा यहाँ का क्या सीन रहता है, मज़ा बहुत आएगा। तो वीडियो में बने रहें, बाय बाय। सो गाइस, निकल चुके हैं घर से अपने सफ़र के लिए। बहुत अच्छी बात यह है कि आप पीछे तो देख रहे हैं, ये मेरा घर है और सामने ये देखिए, सामने में है बस स्टैंड। हमें बस के लिए कहीं दूर नहीं जानी पड़ती है, वो घर से निकलो और बस स्टैंड। गाइज, मेरे सबसे नियरेस्ट जो बान ऑफ है वो गौसलार है। मैं क्लाउसल से गौसलार आ गया हूँ, अभी यहाँ से ट्रेन लेना है। बैठ जाइए। हम और ट्रेन दोनों प्लेटफॉर्म में वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बैग रखने का देते हैं, ये काफी अच्छा लगा, क्या कह रहे हैं? तो बैग यहाँ पे लाइक ट्रेन और बस ऐसे चलते हैं, बैग यहाँ पर रखोगे वहाँ पहुँच जाएगा और गेट खुला रहा तो बाहर। ट्रेन्स में तो उतना नहीं होता, बट बस तो भाई बहुत घुमा कर लेकर आता है। सो गाइस, एक सिटी जाने के लिए हमें 3-4 ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। बस ये आखिरी ट्रेन है, ये पैडरबॉर्न बान ऑफ पर पहुँचा देगी, उसके बाद फिर वहाँ से बस है। कितना दूर है वहाँ से? 5 मिनट वॉक है बस। बस से फिर वहाँ से एक बस लास्ट, फिर हम अपने दोस्त के घर पहुँच जाएंगे। ये लास्ट ट्रेन है, पैडरबॉर्न जा रही है। करण, मेंटोस जिंदगी, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला रहे। कितने का मिला था करण? ये मिलता है 1 यूरो, नहीं सॉरी 69 सेंट्स। 69 सेंस का ये। सो गाइस, फाइनली हम पैडरबॉर्न पहुंच गए हैं। 3.5 घंटा के करीब रास्ता रहा और बस अभी चलते हैं, यहाँ अपने दोस्त से मिलते हैं। रौनक रहता है यहाँ पे, वो पैडरबॉर्न यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करता है, प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज है वो, उससे मिलते हैं। उसके बाद फिर आप चलते हैं यहाँ के मेले में, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। बस से उतर गए हम लोग, बस अब कुछ मिनट का वॉक है। रौनक के लिए ट्रॉली लेकर जा रहे हैं हम, कि रौनक को घर शिफ्ट करने में हेल्प होगा। और सारा सामान करण उठा रहा है अकेले। स्टेशन से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मेला का वजह से लगता है बहुत सारे सिटीज से लोग आए हैं यहाँ पे मेला को देखने के लिए। बाहर से देख भी रहा था जब हम स्टेशन से उतर रहे थे, तो कुछ कुछ बड़े बड़े जो झूले थे वो सारे दिख रहे थे। तो देखते हैं, लगता है मज़ा आएगा, क्या प्राइस है, कैसा कब सब कुछ होता है, वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। रौनक का घर गाइस, बस टूटता जाए घर। कुछ दिन का मेहमान है, गॉड। लौंडा घर चेंज कर रहा है, उसका घर गिर जाएगा बस। एक्चुअली ये जो घर है ना, इसका ओनर ये घर तोड़ रहा है।
पूरी पूरा पूरा घर तोड़ रहा है। अच्छा। इसलिए घर चेंज कर रहा है, तो कोई नहीं समझे, क्योंकि घर बहुत पुराना हो गया इसलिए ओनर पूरा घर ही तोड़ रहा है। रौनक काफी टाइम से यहाँ रह रहा था ना? हाँ, जब से आया, लाइक 5 से। देखते हैं करण कैसा खाना बनाता है। भाई 3 महीने से नहीं बना रहे, क्या यार तुम सक्कर, ये चीज नहीं ना बना रहा भाई। क्या रे, तुमको फ्राइड राइस नहीं खिलाया आज तक? हमको नहीं खिलाया ना, रौनक को खिलाया। रौनक? हाँ भाई। कैसा बनाते थे भाई? तब रौनक से मिल लिए हम लोग, अभी रौनक लेकर जाएगा हमें मेला घुमाने के लिए, है ना भाई? एकदम चचा बोल लो खाली। चचा खर्चा भी करेगा, अभी खर्चा भी करेगा आप रौनक। जा रहे हैं हम लोग, बट सही लगा गए। लग रहा करण यहाँ बहुत मस्त आ रहा भाई, क्या मस्त भाई है, मोरेन का वाइब अभी ला कर आ रहा है। चूल्हे में बैठ गए, ऑडिटर लग रहा है। अरे भाई लग जाएंगे रे। भाई कोई गाली मत देना भाई। बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस था भाई साहब, फोन रखना पड़ गया इतना। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गाइस, देखो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और गाइस ये मेला में एक ये दिक्कत है, और ये जर्मनी में ही है पूरे, बट फिर भी मार्केट प्लेस में काम हो जाता है।
यहाँ पे आपका कैश के बिना कोई काम नहीं होगा, कहीं भी कोई भी ऑनलाइन और या कार्ड पेमेंट ये लोग नहीं लेते हैं, बस सिर्फ कैश चलती है। चाहे आप झूले में जा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कैश से ही काम होगा। गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, कोई ऊपर फंस गया। सुपरमैन बन गए क्या भाई? भाई शक्तिमान बन गई हो क्या? एक से एक झूला है यहाँ पे। एक और दिखाता हूँ, एक और पे जा रहे हैं। अरे भाई इसका गाड़ी को ठोकेंगे, बहुत गंदा ठोकेंगे। बताते भाई ये सब मेला आना पैसा वसूल है, क्या करत? अच्छा रहा या नहीं? बहुत मस्त है भाई, अभी बारिश भी आ रहा है तो बहुत मजा आएगा। तो गाइस रात के 10:30 के आसपास बज गए, अब लगता है ये सारे चीज़ क्लोज हो रहे हैं। बहुत ही कम हो गई है भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है। लगता है बंद हो रहा है, सारी दुकानें धीरे धीरे अब बंद हो जाएगी। मे बी 11 बजे तक ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है, बट डेफिनेटली आप आ सकते हैं ऐसे से, डेफिनेटली आप ये सब जगह आ सकते हैं। मेला बाहर से थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, आपको एक अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा, हर कंट्री के लोग मिलेंगे, सारा बहुत अलग अलग तरह का सामान देखने को मिलेगा, फूड्स देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा, झूला। इस बुड्ढी का बाल ये लड़का खा रहा है। तो गाइस फाइनली जिस काम के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, सारा सामान ट्रॉली में डालकर हम शिफ्ट कर रहे हैं रौनक के न्यू वाले घर पे। आ गए रौनक के घर सारा सामान लेकर, चार्जर बैग। घर बहुत ही सुंदर है भाई का, वॉशरूम है, हो गया सही है भाई। घर 320 यूरो का है ना भाई? 340 यूरो का घर है। हाँ सही है सही है, वाईफाई भी इंक्लूडेड है। सो गाइस आज सेकेंड डे हमारा पैडरबॉर्न में, रौनक का घर हमने पूरा शिफ्ट कर लिया है। रात में हम फेस्टिवल से घूम कर आए, उस फेस्टिवल का नाम था लिबोरी, बहुत ही सुंदर फेस्टिवल था।
इसके पीछे कोई इनका कहानी है जिसके वजह से ये सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। तो बहुत सुंदर था, रात में हम घूमे, करीब 10:30-11 बजे वो बंद हो गई। उसके बाद हम अपने रौनक के पुराने घर जाकर सारा सामान लेकर उसके नए घर में शिफ्ट कर दिए। बस फिर सो गए और अभी उठे हैं, जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय। किस चीज़ से काट रहे करण? प्याज कट, ओ पिज्जा काटो। मैं बहुत कोई बात नहीं भाई, चाकू खरीद देंगे। इसलिए तो दोस्त को बुलाते हैं कि काम में हेल्प हो जाए।